के कितने हेड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सैलरी होता है, ऐसे आप लिख लो मार्कर के साथ हेडिंग दे लो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और लास्ट पे क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका फॉर्मेट क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको इनकम टैक्स में पढ़ा चुका हूँ। मुझे सबसे पहले आपकी मुझे आवाज चाहिए, बेसिक सैलरी कहाँ जाता है सर? बेसिक सैलरी जाता है सैलरी में और टैक्सेबल होता है। ये देखिए एनुअल है ये बेटा, क्या है एनुअल है, एनुअल का मतलब है पूरे साल की है, तो बस लिख दिया। कन्वेंस अलाउंस, ये भी एनुअल है। अगर एनुअल नहीं होगा तो उसको एनुअल बनाना है, किसी चीज को एनुअल बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दे, मंथली हो 12 से मल्टीप्लाई करो बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल होते हैं। हाउस हाउस फैसिलिटी याद है, अकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे सर आपने कहा था कि जब अकोमोडेशन फैसिलिटी होगी हम क्या करेंगे, सर आपने कहा था 45% बेसिक सैलरी का लेंगे, 45% और एनुअल रेंट, और हम क्या लेंगे, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट, राइट। तो बेटे 45% ऑफ बेसिक सैलरी क्या बनता है, ये देखो ये बन या एनुअल रेंट, ये देखो बेटा 10,000 महीने का रेंट है, साल का कितना होगा 1,20,000। कौन सा लेना है, विच एवर इज हायर, जो बड़ा होगा, तो 2,70,000, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकम, सर प्रॉपर्टी इनकम तो यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी इनकम, या बेटा इसको रेंट लिख दो, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, ये भी महीने की है ना, ठीक है, और ये मैंने बताया था 2,00,000 से ऊपर होगी तो इस पे टैक्स लगेगा, और वो भी कहाँ लगेगा, स्टेप नंबर 4 में, याद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे कहाँ लगेगा, सेपरेट ब्लॉक में, कहाँ लगेगा, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 4। एडजस्टेबल टैक्स पे पेड ऑन मोबाइल, ये जो टैक्स आपने पे किया ना मोबाइल पे, ये हमारा स्टेप नंबर 5 है, ये स्टेप नंबर 4 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये बड़े, आप स्टेप्स देखना, मैंने जो स्टेप्स की कैलकुलेशन बताई। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी आफ्टर 4 ईयर, याद है आपको, इन ये कैपिटल गेन में जाता है, गेन ऑन पब्लिक कंपनी शेयर्स आफ्टर 4 ईयर्स। सर आपने तो ये बताया था कि आफ्टर 4 ईयर हो सेपरेट ब्लॉक में जाता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, सेपरेट ब्लॉक में जाता है और उस पर बेटा 0% टैक्स है, 0% टैक्स। ज़कात, सर जो ज़कात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो बेटे जो अदर सोर्स है वो अदर सोर्स में चली जाएगी, ये देखो मैंने यहाँ लिखा, इसकी मैंने यहाँ इनकम लिख दी, इसके सामने मैंने डैश लगा दिया, ये देखो, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे ये ज़कात, ज़कात कहाँ जाती है, टोटल इनकम में से लेस हो जाती है, ये मैं आपके लिए जानबूझ के लिख रहा हूँ, टोटल इनकम में से। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये कहाँ जाता है, स्टेप नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मैं इधर नीचे लिखने लगा, स्टेप नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, याद है आपको स्टेप नंबर 3 क्या है, डिस्काउंट्स और क्रेडिट्स वाला, उसमें पॉइंट नंबर 3, उस पॉइंट नंबर 3 में आगे 4 पॉइंट्स आप बोल नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, लेकिन आपको वो याद करना पड़ेगा, अगर आप कहेंगे ना कि वो फॉर्मेट याद किए बगैर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी भूल है, हम कभी भी नहीं कर सकते उस फॉर्मेट को याद किए। तो
वो पूरी बुक का खुलासा है। ये देखिए, ये मैंने सारे ऐड कर लिए, तो ये मेरी बन गई टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी, या इसको हम कहते हैं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। हम इसमें से लेस करने वाले हैं जकात, 5 पॉइंट लेस होते हैं, उनमें से एक जकात भी है। जकात कितनी है? 5,000। अब जब हम इसमें से जकात माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम। इसको हम बेटा ये कहेंगे, ये वाली, इसको हम सिंपल कहेंगे टोटल इनकम। ठीक हो गया। अब एओपी है ही नहीं, तो हम एओपी कहाँ से ऐड करें? अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं शेयर्स ऑफ एओपी, तो जीरो लिख के तो कर दें। तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी, इंक्लूडिंग एओपी और टैक्सेबल इनकम फॉर रेट, तो वो आ जाएगी 9,26,000। अब यहाँ पे स्टेप नंबर वन क्या था? अप्लाई टैक्स रेट। आप जानते हैं, आपको टैक्स के रेट्स का अंदाजा होगा, मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आपको अंदाजा होगा। अगर नहीं है तो आप उनको याद करें, मैंने ऑलरेडी आपको टैक्स के रेट्स दिए हुए। मैंने कहा था पहले 3 याद करें। तो अगर ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ये वाला 6 लाख से जो इनकम ऊपर है उस पर 3 लाख टैक्स लगेगा। अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख इज टैक्सेबल एट 5%। तो अब आप मुझे खुद बताएं, 9,26,000 रुपए में से 6 लाख माइनस होगा तो 3,26,000 आ जाए। उसमें हम रेट लगाएंगे 5%, तो ये हमारा टैक्स निकल। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ रही है। ये हमारा टैक्स निकला। स्टेप नंबर 2 एओपी है। स्टेप नंबर 2, सर वो है ही नहीं, तो जीरो लिख दो। स्टेप नंबर 3 में आगे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, पॉइंट ए भी नहीं दिया हुआ, उसके सामने जीरो। पॉइंट ए टीचर वाला है, टीचर को जो रिबेट मिलती। पॉइंट बी है फॉरेन फॉरेन इनकम वाला, वो भी जीरो। तो सर जीरो है तो मैं लिखूं ही नहीं। जो पॉइंट सी है उसके अंदर आगे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। ना पहला पॉइंट दिया हुआ है, ना दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। और वो कितना पॉइंट है जो वो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, वो कितना पे किया है? 20,000। उसको रिबेट मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। मैंने कहा था आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे रिबेट मिलेगी। कितनी रिबेट मिलेगी? निकालना बहुत इजी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है? 20,000। यहाँ 20,000 लिखे, क्या करेंगे? मैंने कहा था लास्ट स्टेप का टैक्स लेंगे, ये है लास्ट स्टेप का टैक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 टैक्सेबल इनकम से, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी रिबेट निकल आएगी। क्या निकल आएगा? रिबेट निकल आएगा। टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है? ये बात। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने इसको लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, तो ये मेरी रिबेट निकल आई। अब मैं क्या करने वाला हूँ? इसमें से माइनस कर दूंगा, ये देखो, तो ये मेरा टैक्स निकला। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं ग्रॉस टैक्स। आप सिंपल टैक्स भी लिख सकते हैं। और लास्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 सेपरेट ब्लॉक। इसमें कोई भी चीज ऐसी सेपरेट ब्लॉक वाली नहीं है जिसपे टैक्स लगना है। सेपरेट ब्लॉक, कोई भी चीज नहीं है सेपरेट ब्लॉक वाली जिसपे टैक्स लगना है। वो सारी जो है ना, वो ऐसी चीजें हैं। प्रॉपर्टी 2 लाख से ऊपर हो तो तब टैक्स लगता है। यहाँ पे 1,80,000 की प्रॉपर्टी है, ये देखिए, इस पे नहीं लगना। 4 साल बाद जो है वो जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए उस पे भी नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे नहीं लगने वाला। जो जीरो वाले हैं वैसे ही ना लिखा करो। और स्टेप नंबर 5 क्या है? जकात वाला। ना 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 ना, टैक्स पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। तो वो कितना है टैक्स पेड इन एडवांस? ये देखें, ये लिखा हुआ है 2,500 टैक्स पेड ऑलरेडी, जो पे किया 2,500।
उस 2500 को यहाँ से माइनस कर, ये देखिए ये मैंने लिया, इसको इसमें से माइनस किया, ये मेरा निकल आया नेट टैक्स पेबल। ये है आपका क्वेश्चन, ये पूरा इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर, ये कैसे करना है फॉर्मेट याद करके कर, अदरवाइज नहीं होगा। जी बेटा,